कालाकोट सोच का नाम है। ये वारस हैं कायदे आजम के, ये वारस हैं अल्लामा इकबाल के, ये वारस हैं जमहूरियत। तो 2007 की तहरीक को देख लो कि जो मुक्का लहरा कर कहते थे कि हम ना कहीं जाने वाले हैं, काले कोट ने ललकार के कहा था कि ये चमड़ी भी उतरेगी, ये खाल भी उतरेगी, तो जियोगे कैसे। हर जुल्म मिटाने की कसम खाई है, तुम्हारा तज़किरा ना है हवाओं में फजाओं में, तुम्हारा तज़किरा ना है हवाओं में फजाओं में, हमने ही तारीख लिखी, हमने ही तारीख बनाई है। बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर स्ट्रेस भी किया गया मेरे सीनियर्स की तरफ से भी, और 15 जून के ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो साहिब सदर की जेर सदारत मुनक़द हुआ, उसकी कंटिन्यूटी में होने वाली अब तक की कार्रवाइयों में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसी कैबिनेट, ऐसा सदर, सेक्रेटरी साहिबा, नायब सदर साहिबा और फाइनेंस सेक्रेटरी गुजरा हो जिन्होंने तारीख के बदतरीन हालात में हर तरह के दबाव के जेरे साया वकला के साथ खड़े रहे, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े रहे और एक काज को जन्म दिया। गोश गुजार करते चले कि हमें बार बार ये मुख्तलिफ क्वार्टर से समझाया जा रहा है वकला को कि हम जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिन वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिन वकला के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे पास नाकाबले तरदीद सबूत मौजूद है। तो वकला से बेहतर काबले तरदीद और नाकाबले तरदीद हकायक को कोई नहीं जानता। जमहूरियत का कत्ल काबले तरदीद है और काबले मजम्मत भी रहा है। पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नाकाबले तरदीद है। पाकिस्तान में बुकला का किरदार नाकाबले तरदीद है। अगर तारीख का हवाला देता चलूं तो 2007 की तहरीक को देख लो कि जो मुक्का लहरा कर कहते थे कि हम ना कहीं जाने वाले हैं और डंडे की जो नोक पर, गन की नोक पर रूल करेंगे, और ये दावा किया गया और बा आवाज़े बुलंद दावा किया गया, तो काले कोट ने ललकार के कहा था कि ये चमड़ी भी उतरेगी, ये खाल भी उतरेगी, और वो उतरी और रूल ऑफ लॉ कायम हुआ। इस रूल ऑफ लॉ को कायम करने के लिए वकला ने नाकाबले तरदीद शहादतें दी हैं। कराची का वाकया देख ले, क्वेटा का वाकया देख ले, लाहौर में माल रोड, और ये कयानी हाल गवाह है कि अपनी पेशावराना ड्यूटीज के साथ साथ वकला ने वो किरदार अदा किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई कामयाब तहरीक नहीं चली। और आज भी ये कहते हैं, मैं मशकूर हूं अहमद खान साहब का जिन्होंने 15 जून के कन्वेंशन का इनेकाद किया और हम उनके पैगाम पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। आज भी ये कहते हैं और अहद करते हैं कि उमर वकास वड़ाएज किसी शख्स का नाम नहीं है, सेक्रेटरी लाहौर बार किसी शख्स का नाम नहीं है, इश्तियाके खान किसी शख्स का नाम नहीं है, कैबिनेट हाईकोर्ट बार अफराद का नाम नहीं है, वकला सोच का नाम है, कालाकोट सोच का नाम है। ये वारस हैं कायदे आजम के, ये वारस हैं अल्लामा इकबाल के, ये वारस हैं जमहूरियत के, ये वारस हैं रूल ऑफ लॉ के। आपने जो इकदामात उठाए हैं और खसूसी तौर पर 9 मई के बाद, तो सुन लें, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो यौमे हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो यौमे हिसाब होगा, बस्ती उजाड़ दी जिन्होंने, अब उनका यौमे हिसाब होगा। और आखिर में गुजारिश करता चलूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहिबान और नगनार वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब, वकला ने हमेशा यही बात की है उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि कौन कहता है कि मैं मौत से इनकारी था, कौन कहता है कि मैं मौत से इनकारी था। यह अलग बात,
कि मेरा कातिल बाजारी था। कल के खुदा चली वीराने से मक्तल की तरफ, कल के खुदा चली वीराने से मक्तल की तरफ, मुंसवे शहर मसरूफ अदाकारी था।